धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को कैसे रोक। मुंबई में अपुन के एड्रेस में पिन कोड ना हो तो भी पोस्ट आ जाता है, पता है क्यों? अपुन का नाम ही इतना फेमस है। सब लोग आपकी तरह थोड़ी होते हैं भाई, कुछ लोग 10 लोगों को टपका के खुद को डॉन समझने लगते हैं। शाहरुख की अपकमिंग फिल्म पठान में क्या रोल होने वाला है दीपिका पादुकोण का? इस फिल्म के लिए कितनी फीस चार्ज कर रही हैं दीपिका? शाहरुख क्या इस फिल्म के लिए फीस नहीं ले रहे हैं? और सलमान किस रोल में नजर आएंगे पठान में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। शाहरुख खान की कम बैक फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त बस बन गया है, और बस हो भी क्यों ना, क्योंकि शाहरुख खान पूरे 3 साल बाद हमें पर्दे पर नजर आएंगे। इससे पहले वो जीरो में नजर आए थे, तब से शाहरुख खान ने एक भी फिल्म नहीं की, और अब इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म को बहुत ज़्यादा खास बना रही है। एक तो शाहरुख खुद में ही एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, इसके अलावा दीपिका पादुकोण और शाहरुख की केमिस्ट्री के बारे में आप जानते ही हैं कितनी ख़तरनाक केमिस्ट्री है, और पर्दे पर जब भी आती है ये तो धमाल ही मचा देती है, फिर चाहे ओम शांति ओम हो या चेन्नई एक्सप्रेस हो। और दीपिका पादुकोण एक बार फिर से तैयार है, और दीपिका का रोल भी इस फिल्म में बेहद ख़ास होने वाला है। वो एजेंट के किरदार में नजर आएगी जिसे प्यार करना भी आता है और हड्डियां तोड़ना भी आता है, तो एक खतरनाक सा किरदार दीपिका पादुकोण को दिया गया है। इसके अलावा फिल्म में जॉन अब्राहम भी होंगे और सलमान खान भी होंगे, तो फिल्म का वजन ऑलरेडी इन सारी चीज़ों से बढ़ जाता है। स्टार कास्ट बहुत तगड़ी है। दीपिका जहां इस फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, वहीं जॉन अब्राहम इस फिल्म के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, वहीं शाहरुख इस फिल्म से फीस नहीं लेंगे बल्कि सीधा सीधा प्रॉफिट लेने वाले हैं 45%। यानी कि अगर शाहरुख खान की पठान 100 करोड़ की कमाई करती है तो सीधा सीधा शाहरुख खान का पैसा बनता है 45 करोड़, और जब भी वो यशराज के साथ कोई फिल्म देते हैं तो शाहरुख प्रॉफिट से ही हिस्सा लेते हैं। फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, यशराज फिल्म्स के जो स्टूडियो है वहाँ से, यशराज फिल्म्स के स्टूडियो से ही शाहरुख की फिल्में लीक हो चुकी है। भले यशराज ने अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, इसमें आपको टाइगर भी नज़र आने वाले हैं कि सलमान खान टाइगर वाले रोल में ही नज़र आएंगे। एक क्रॉसओवर देखने को मिलेगा आपको पठान में, जैसे कि हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलता है जहां बड़े बड़े किरदार एक दूसरे की फिल्मों में आ जाते हैं, तो इसी तरह से पठान में आपको टाइगर नज़र आएंगे और ऐसे ही टाइगर 3 में आपको पठान नज़र आएंगे। तो दोस्तों, एक क्रॉसओवर देखने को मिलेगा जो कि रोहित शेट्टी की फिल्मों में भी देखने को मिलता है। तो आपको कितना इंतज़ार है शाहरुख खान की पठान का, और इसमें इतने बड़े बड़े एक्टर नज़र आने वाले हैं, सलमान खान और शाहरुख की केमिस्ट्री को एक बार फिर से पर्दे में देखने का कितना इंतज़ार है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।